हासिम साधन सर, जो आज पैदल हर यात्रा को आप अपने घर से रवाना हुए हैं, क्या साधन लेकर घर से रवाना हुए हैं? खाली कुछ नहीं है, खाई एक बैग है। खाली बैग पर 4 और वो चल रहा है वहाँ, उसका तो बड़ा आदमी और एक आप हो कि किसी को पता है। जो सिहाब भाई केरला टू मक्का के लिए निकल पड़े हैं, आप देख सकते हो इसी तरह सारे लोग भी निकलने के लिए ऐसा ये कर रहे हैं। इनके पास ना तो पासपोर्ट है ना तो वीज़ा है, ऐसे ही निकल पड़ रहे हैं। आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में, ऐसा मत कीजिएगा भाई, ऐसा हमारे सिहाब भाई के बारे में, हमारे मुसलमान कौम के बारे में बदनाम मत करो। हिंदू लोग भी हमें दुआ कर रहे हैं तो जो सिहाब भाई के लिए, अभी वो भी हंसने लगेंगे। प्लीज़ ऐसा मत करो। अब जाना हो तो सबसे पहले जो पासपोर्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद में पूरा देश का यहाँ से इंडिया से लेकर मदीने मक्का जाने तक भी हज जाने के लिए जो पूरा पासपोर्ट वीज़ा लेना पड़ता है, तब जाके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। वो एक दो दिन का रास्ता नहीं है, कम से कम वहाँ पे जाने के लिए 8 महीने लगते हैं। अब प्लीज़ ऐसा मत करो, अब जाना है तो पूरा रेडी करके जाओ, ऐसा मजाक मत बनाओ, हमारा इस्लाम का मजाक मत बनाओ, प्लीज़ आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हो सिहाब भाई जो केरला टू मक्का के लिए निकल पड़े थे, आप देख सकते हो यहाँ पे इनका मजाक बनाया जा रहा है आजकल। आप देख सकते हो हम उनको समझा रहे हैं, समझाने पर भी हमें रिटर्न कमेंट आ रहा है कि एक ऊपर एक आदमी निकल दिन ब दिन निकलता जा रहा है सिहाब भाई की तरह ही। आप खुद देख सकते हो, मैं ये सबसे पहले वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो आप एक बार प्ले करता हूँ, ये वीडियो देख लीजिएगा। अभी तो पता नहीं था, जब तक साले जब ताना शादी में चली रहे हैं 40 किलोमीटर चलना हमें एक दिन में। जब पार्टी का चलना है, पार्टी आगे से चलना है, चलना है। आपका पैदल हज करने का मकसद क्या? तो पैदल कुछ लोगों का कहना था सिहाब के ऊपर कि फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए उन्होंने। नहीं मेरे को मेरे ऐसा कुछ नहीं है, ये बात मोबाइल तक लेंगे। अच्छा तो आप अपने घर से निकले हैं तो किस टाइम में? मेरे एकदम दिमाग में, मेरे दिमाग में आई, मेरे दिल ने गवाह दिया, अल्लाह ने हुक्म करा। अल्लाह खान शहर बेंगलोर से मैं पैदल हज के लिए रवाना हो रहा हूँ, गोविंदपुर अरबी कॉलेज पोस्ट, वहाँ से 5 फरवरी को निकला हूँ। मैं पैदल हज के लिए निकल रहा हूँ, इंशाल्लाह 8 महीने का सफ़र है। हाँ गवर्नमेंट को सब मालूम कराया हूँ, सुषमा स्वराज से और नरेंद्र मोदी साहब से भी, इंशाल्लाह दिल्ली में जाकर मुलाकात होगी उनसे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले सिहाब भाई जो मक्का टू हज के लिए निकल पड़े थे, उसके बाद में मस्तान शाह बाबा भी निकल पड़े थे, और इसके साथ में मोहम्मद हशमी उन्होंने भी निकल पड़े हैं, और फिर एक दो बंदे फिर निकल पड़े हैं। आप देख सकते हो ये कुछ मजाक चल रहा है यहाँ पे इंडिया में, इनको समझाने के लिए कोई भी यहाँ पे नहीं। हमारे मुसलमान का कौम पूरा मतलब इज्जत मुसलमान के सब निकाल रहे हैं, ऐसा मत करो भाई। जो जान के पास तो जाने के लिए तो सबसे पहले वीज़ा और पासपोर्ट वीज़ा ज़रूर, कुछ भी नहीं है। अभी सिहाब के पास तो ऑलरेडी 1 साल से मेहनत करके वो निकाल के जा रहे हैं, अभी ये लोग तो आप देख सकते हो तो इनके पास तो वीज़ा भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, इंडिया के बॉर्डर तक ही जाना पड़ेगा, इससे आगे इनको जा नहीं पाएंगे ये लोग, फिर भी ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो इनको कोई रोकना है तो हमारे मुसलमान का कोई आदमी भी इनको नहीं रोक पा रहा है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनको कैसे समझाया। हमारे जो सिहाब भाई के लिए इतने सारे मुसलमान के हिंदू लोग सारे लोग दुआ कर रहे थे, जो इनके वजह से सिहाब भाई को भी ले भी जो हिंदू लोग हंस रहे हैं अभी समझाए तो भी क्या समझाए। हम लोग कुछ बोलने के लिए हमें रिटर्न उल्टा ही कमेंट करके बता रहे हैं, तो जाना तो जाने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है ऐसा हमें बता रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैं वीडियो पीछे मेरे प्ले करके दिखा रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो भाई। अब जाना है तो प्लीज़ आप वीज़ा सबसे पहले पासपोर्ट बनाओ, उसके बाद पूरे 4 या 5 कंट्री का पूरा पासपोर्ट वीज़ा लो, इसके बाद निकलो। क्योंकि जो सिहाब चित्तूर जो यहाँ केरला टू मक्का निकल रहे थे, वो पूरी एक साल से मेहनत करके 1 साल से पासपोर्ट बना के वीज़ा सब पूरा कंफर्म करके वो निकल पड़े हैं। अभी वो उनको निकल के तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो चुका है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे। इसी तरह ऐसा मत करो, एक दिन में एक एक आदमी दो सिहाब भाई निकल के 2 महीना हो गया, अभी एक दिन में एक आदमी निकल के बाहर आ रहे हैं। मैं भी जाऊँगा, जो इतना एक दिन का दो दिन का रास्ता नहीं है वो ऐसा निकल लो मत, प्लीज़। 1 या 2 दिन का रास्ता नहीं है वो, कम से कम उसमें 8 महीने लगते हैं निकलने के लिए, प्लीज़ ऐसा मत करो। सिर्फ सिहाब भाई के लिए जाने दो, इनके लिए दुआ करो, बस इतना ही चाहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम।